हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एस ग्रेजुएशन। कैसे हो आप सब? बढ़िया ही होंगे। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे पोलैंड डिजीज, पोलैंड प्रोडक्ट एंड पोलैंड बैंक। तो बेसिकली मैंने स्ट्रक्चर ऑफ पोलैंड ग्रेन्स का इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया है। अगर आपको देखना है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो, और आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी मिल जाएगी। ओके गाइस, तो बेसिकली पोलन डिजीज की बात करते हैं। पहले सीवियर एलर्जीज एंड ब्रोंकाइटिकल अफेक्शन इन सम पीपल ऑफन लीडिंग टू क्रॉनिक रिस्पिरेटरी अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। तो बहुत सारे ऐसे पोलन ग्रेन्स होते हैं जो एलर्जी करते हैं ब्रोंकाइनल में, मीन्स के लंग्स में अफेक्ट करते हैं, और उसमें कुछ ऐसा होता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है। तो ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है, ऐसे डिजीज उत्पन्न हो सकते हैं अस्थमा जैसे, ब्रोंकाइटिस जैसे। तो वो पोलन ग्रेन होते एलर्जी एलर्जी पोलन ग्रेन से एलर्जी भी हो सकती है ह्यूमन को, दिस टाइप की। देन यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है कि पेरेथियम और कैरेट ग्रास। तो ये जो है, पेरेथियम भी एक ग्रास टाइप का होता है प्लांट, एंड कैरेट ग्रास दैट कम इनटू इंडिया विथ वीट। तो उससे क्या हुआ कि पोलन ग्रेन जो उसमें जब ये इंडिया में आई आई है कैरेट और पार्थेनियम ये वीट के साथ, तो उससे भी एक पता चला कि पोलन की वजह से एलर्जी हो रही है। तो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एलर्जी भी करते हैं। ओके, देन पोलन ग्रेन्स आर इन न्यूट्रिएंट रिच। तो पोलन ग्रेन जो होते हैं वो उसमें न्यूट्रिएंट भरपूर होता है, तो उसको भरपूर होता है तो उसका हमने सही से उपयोग करना सीख लिया, तो उसका यूज़ फूड सप्लीमेंट में किया जाता है। तो वेस्टर्न कंट्री से वो है ना, पोलैंड ग्रेन्स का जो उसमें से टेबलेट्स बनाती है और सिरप बनाती है, और उसमें वो यूज़ होता है एज अ फूड सप्लीमेंट, और सिरप में भी और टेबलेट में भी, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स से भरपूर है। एंड इंक्रीज परफॉर्मेंस इन एथलेटिक्स एंड रेस हॉर्स। तो वो पोलन ग्रेन्स की जो टैबलेट्स आती है वो एथलेटिक्स को भी काम आती है, और रेस हॉर्स होते हैं जो घोड़े दौड़ते हैं रेस में उसको खिलाया जाता है। तो वहाँ पे पोलन ग्रेन्स की टेबलेट बहुत यूज़फुल है। वेस्टर्न कंट्रीज बेसिकली टेबलेट और सिरप की तरह तो यूज़ करते ही हैं। ओके, देन यहाँ पे एक ऐसा हो गया है कि पोलन हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा। तो जो पोलन होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं, जब वो एंथर में से निकलते हैं, रिलीज होते हैं, तब उसको लैंड करना पड़ता है स्टिग्मा। तो जैसे कि ये पोलन ग्रेन है, ये स्टिग्मा है, तो यहाँ से एंथर में से ये पोलन ग्रेन रिलीज हुआ और यहाँ पे उसको लैंड करना है। बट उसको लैंड करना तो है, बट उसकी वायबिलिटी होनी चाहिए। उसकी वायबिलिटी लूज करने से पहले ही उसको स्टिग्मा पे लैंड होना है। वो लैंड हो जाएगा फिर ही वो वहाँ से फिर ही वो फर्टिलाइजेशन कर पाएगा। तो पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी बहुत ही ज़रूरी है। बट ये वायबिलिटी जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट डिफरेंट होती है। मैंने जैसे कि बताया कि पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर होता है वो भी अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, तो उसकी जो वायबिलिटी होती है वो भी डिफरेंट होती है। बट वायब वेरिएबल होती है, बट वो डिपेंड करती है प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी पर। तो वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर होती है, कम टेम्परेचर होता है, उस हिसाब से उसका जो कन्वीनियंट एनवायरनमेंट होता है उस हिसाब से वो वायबिलिटी उसकी रहती है। तो उसका डिपेंडेंट है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे। बट यहाँ पे एक एग्जांपल पे दिया है कि राइस और वीट की जो वायबिलिटी हो 30 मिनट्स तक ही होती है, मीन्स के जो रिलीज होते आता है एंथर में से पोलन ग्रेन्स, फिर उसकी वायबिलिटी काउंट की जाती है
तो वो 30 मिनट्स के अंदर उसको स्टिग्मा पे अटैच होना है। तो फिर वो 31 मिनट पे हुई तो वो फर्टिलाइज नहीं हो गया क्योंकि वो उसकी वायबिलिटी लूज कर देगा। ओके, तो वो 30 मिनट्स की वायबिलिटी होती है। एंड यहाँ पे रोजेशिया फैमिली है, लेगुमिनेशिया फैमिली, सोलेनेशिया फैमिली है। ये जो फैमिली के प्लांट और फ्लावर है उसकी जो वायबिलिटी होती है वो महीनों तक, 4 मंथ, 1 महीना तक टिकती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज की वायबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है। ओके, देन पोलन ग्रेन की बात करते हैं हम। तो स्टोरिंग ऑफ द सीमेन सैंपल, मैंने आप सीमेन सैंपल का एग्जाम्पल लिया है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है कि सीमेन सैंपल होते हैं वो उसको हम स्टोर करते हैं, लॉन्ग टाइप पर स्टोर कर सकते हैं। जिसको बच्चे होने की तकलीफ रहती है तो IVF में क्या होता है कि जब जब सीमेन प्रोड्यूस नहीं होता है मेल में, तब वो सीमेन का सैंपल स्टोर करते रहते हैं। जब भी फीमेल को चाहिए होगा तब वो सीमेन का जो स्टोर किया हुआ सैंपल होगा वो यूज़ हो पाएगा। और ये स्टोर किए हुए सीमेन सैंपल भी जहाँ पे भी यूज़फुल रहते हैं वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। तो इस हिसाब से सीमेन का सैंपल जो होता है वो स्टोर कर सकते हैं। तो सीमेन के सैंपल को तो स्टोर कर सकते हैं, ऐसे ही हम पोलन के सैंपल को भी स्टोर कर सकते हैं। इट इज़ अ पॉसिबल टू स्टोर पोलन ग्रेन्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर अ ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन। ये जो सीमेन का सैंपल होता है वो भी लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर होता है, और ये पोलन का सैंपल होता है वो भी 196 सेल्सियस में। ये नाइट्रोजन गैस का जो होता है ये टेम्परेचर दिया गया है, तो उस हिसाब से वहाँ पे सैंपल स्टोर किया जाता है, और वहाँ पे जब भी ज़रूरत पड़ती है तब वो हम पोलन बैंक्स में से निकाल सकते हैं। तो ये उसको हम बोलते हैं पोलन बैंक्स। ओके गाइस, तो आपको आई होप सो कि ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको कोई भी क्वेरी हो ये वीडियो के रिलेटेड तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।